नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन पाठशाला में। आज है 24 नवंबर 2019 और आज के हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्लस नेशनल करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। देखिए, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है हर्षा डूमर, हर्षा साहू और नीता डूमर। तो अभी इन्हें जब ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, मतलब ये किसी न किसी फील्ड से संबंधित रखती होंगी। तो ये नीता डूमर जो है ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रह चुकी हैं और हर्षा साहू जो है कराटे प्लेयर है। तो दोनों ध्यान रखेंगे। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ सरकारी सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में कुल कितना प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू है। तो आप सभी को मालूम होगा अभी 82% रिजर्वेशन है छत्तीसगढ़ में। अब आपको ध्यान रखना है इसमें कि ओबीसी का इसमें किया गया है बढ़ाकर 14 से 27% किया गया है, एससी का 12 से 13% किया गया है, एसटी का 32% है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का है 10%। अभी सबको मिलाकर हो जाता है 82%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनाधिकार के दावे और भूमि मान्यता देने में छत्तीसगढ़ को देश का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो वन अधिकार और भूमि मान्यता में छत्तीसगढ़ को जो है देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना की रामायण परिपथ थीम के तहत छत्तीसगढ़ के किस जिले को शामिल किया गया है। तो देखिए दोस्तों, रामायण सर्किट वो है जहाँ ये माना जाता है कि राम भगवान ने जहाँ अपने वनवास के दिनों में जहाँ जहाँ निवास किया था। तो ऐसे नौ राज्यों के पंद्रह जिलों को चिन्हित किया गया है, उनमें से छत्तीसगढ़ का एक जिला है जगदलपुर। तो अब ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य स्लोगन विश्वसनीय छत्तीसगढ़ का नाम बदलकर क्या क्या रखा गया है। तो देखिए दोस्तों, विश्वसनीय छत्तीसगढ़ इसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। आपको इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग का भी स्लोगन इस बार बदल कर क्या रखा गया है, मजबूत पुलिस विश्वसनीय पुलिस। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का स्लोगन है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ पुलिस का स्लोगन है मजबूत पुलिस विश्वसनीय पुलिस। अब कुछ नेशनल करंट अफेयर देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में सिंधु सुदर्शन सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। तो ये किया गया है दोस्तों राजस्थान में, सिंधु सुदर्शन सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया राजस्थान में। हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। इस क्वेश्चन में आपको डाउट हो सकता है क्योंकि इसका आंसर है भारत, जनरली इसका आंसर चीन या फिर रूस होता है, बट ध्यान रखिएगा ये विश्व पैरा एथलेटिक है, इसमें कौन रहा है प्रथम स्थान पर, भारत। तो भारत ने इसमें 2 गोल्ड जीते हैं, 2 सिल्वर और 5 ब्रोंज मेडल जीते हैं। और ये कहाँ आयोजित की गई थी, ये दुबई में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। तो मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है दोस्तों जस्टिस SA बोबड़े। पहले हमारे चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई, पर अब हमारे चीफ जस्टिस हो गए हैं SA बोबड़े, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी टैप वाटर रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है। टैप वाटर दोस्तों, टैप वाटर मतलब जो आपके नलों में जो पानी आता है उसे हम कहते हैं टैप वाटर। तो मतलब सबसे अच्छा टैप वाटर कौन से शहर का रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा मुंबई। जैसे कि आप सभी जानते हैं सबसे खराब कौन से शहर का रहा है पूछेगा तो उसका आंसर होगा दिल्ली, बट यहाँ पे पूछा है कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है तो इसका उत्तर होगा मुंबई। हाल ही में गोताबाया राजपक्षे ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। तो गोताबाया राजपक्षे जी है वो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बनके हैं। ऐसा माना जाता है कि गोताबाया राजपक्षे जो है भारत के पक्ष में बात करते हैं और ये इनकी जो पहली विदेश यात्रा होने वाली है उसमें भी ये भारत ही आने वाले हैं। साथ में आप सभी जानते होंगे दोस्तों, हम्बनटोटा पोर्ट जिसे श्रीलंका ने चाइना को 99 सालों के लिए लीज पे दे दिया है, तो इन्होंने राष्ट्रपति बनते ही ये भी कहा है कि अब ये उस पर दोबारा विचार करेंगे। तो आज हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, छत्तीसगढ़ चुनाव में स्वीप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, नीता डूमर, हर्षा साहू।
छत्तीसगढ़ में आरक्षण कितने प्रतिशत लागू है? 82%। वनाधिकार और भूमि मान्यता देने में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा है? दूसरा। रामायण परिपथ में छत्तीसगढ़ के किस जिले को शामिल किया गया? जगदलपुर। विश्वसनीय छत्तीसगढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। सिंधु सुदर्शन सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? राजस्थान में। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? भारत। भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? एस ए बोबड़े। टैप वाटर रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? मुंबई। गोताबाया राजपक्षे ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो श्रीलंका। अब हम देखते हैं दोस्तों, ये सीजी एग्जाम क्वेश्चन जो ज्यादातर एग्जाम इस सेक्शन में मैं वो क्वेश्चन लेके आता हूँ जो छत्तीसगढ़ के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इसका आप आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। छत्तीसगढ़ का में सूबा शासन की शुरुआत किसने की थी? महिपत राव दिनकर, भवानी कालू, बिकाजी गोपाल या फिर गोविंद गोडबोले। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में आगे अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहे इसके लिए आप रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।